बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्री टर्म लेबर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे। अ प्री टर्म लेबर इज डिफाइंड एज वन वेयर द लेबर स्टार्ट बिफोर 37 कंप्लीट वीक। प्री टर्म लेबर इज डिफाइंड, डेफिनेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई मिस्टेक, माइनर मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। Defined as one where the labor start before 37 complete week, 37 complete कम्प्लीटेड वीक। आपको पता है कि लेबर जो है डिलीवरी का टाइम 38-39 जो है वीक्स पे जो है वो कम्प्लीट होता है। 280 डेज का ये पीरियड होता है 9th मंथ का। इससे पहले अगर लेबर्स में वुमेन जाती है 37 वीक पे अगर जाती है तो वो प्री टर्म लेबर कहलाएगी। यानी प्री का मतलब होता है पहले, ठीक है, लेबर से पहले ही जो वो लेबर में चली जाती है, जिसको हम प्री टर्म लेबर बोलते हैं। ओके, इंसिडेंट्स की बात की जाए तो जस्ट बिटवीन 5-10% इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, ठीक है, बिटवीन 5-10% ही जस्ट इस तरह होता है प्री टर्म लेबर। ओके, इटियालॉजी की बात करें कि ये जो प्री टर्म लेबर है ये किस वजह से होती है, इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, इसकी जो है कॉजेज अननोन है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पे तो मैं कहूँगी कि इसकी जो कॉज है वो अननोन है, यानी किसी को भी नहीं पता कि ये प्री टर्म लेबर क्यों हुआ है, ठीक है। लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ हिस्ट्रीज हैं जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि प्री टर्म लेबर है, जिसमें स्मोकिंग हैबिट आ जाती है। वुमेन की, पेशेंट की स्मोकिंग हैबिट की वजह से भी इस तरह होता है। ओके, इसके अलावा आ जाते हैं न्यूट्रिशनल स्टेटस अगर बहुत लो होगा तो प्री टर्म लेबर में पेशेंट चला जाता है, वुमेन चली जाती हैं, ठीक है। न्यूट्रिशनल स्टेटस, इसके अलावा मेटरनल फैक्टर्स आ जाते हैं। ओके, और इसमें अर्ली इंगेजमेंट ऑफ हेड भी इंक्लूड है, ठीक है। अगर बेबी का जो हेड है वो बहुत पहले ही अर्ली इंगेज हो गया है तो जो पेशेंट है वो प्री टर्म लेबर में चली जाती है। अर्ली एंगेजमेंट ऑफ हेड, ओके। इसके अलावा जो है मैटरनल फैक्टर्स भी इंक्लूड हैं। ये स्टूडेंट इसकी आइडियोलॉजी है प्री टर्म लेबर की। अब देन हमने इसको डायग्नोस किस तरह करना है। प्री टर्म लेबर में आपके पास पेशेंट है, आपने उसको डायग्नोस किस तरह करना है। डायग्नोस किस तरह करना है। आपके पास प्री टर्म लेबर में पेशेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निशानी होगी कि वो हम कहेंगे कि ये प्री टर्म लेबर में आएगी। स्टूडेंट, पेशेंट को पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रही होगी, कमिंग एट लीस्ट 1 in 10 मिनट्स, 10 मिनट बाद उसको जो है पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आएंगी। कितने मिनट बाद? 10 मिनट बाद 1 painful uterine contraction होगी, ठीक है। और ये 1 painful uterine contraction कितनी देर तक रहेगी स्टूडेंट? ये 30 सेकेंड तक रहेंगी, ठीक है। 30 सेकेंड, ये प्री टर्म लेबर की को डायग्नोस इस तरह आपने करना है। 10 मिनट बाद 1 painful uterine contraction आएगी और वो 30 सेकेंड तक रहेगी, ठीक है। इसके अलावा जो प्रोग्रेसिव डायलेटेशन एंड असेसमेंट ऑफ सर्विक्स होगी, ठीक है, बहुत जल्दी जो है क्या होगी, प्रोग्रेसिव डायलेटेशन कहते हैं स्टूडेंट ओपनिंग को, डायलेटेशन एंड असेसमेंट ऑफ सर्विक्स, यानी बहुत जल्दी जो है वो सर्विक्स जो है अफेस्ट होगी। अफेस्ट का मतलब होता है स्टूडेंट थिन होना, ठीक है, यानी सर्विक्स थिन होने लग जाएगी और डायलेट मींस ओपन होने लग जाएगी, ठीक है। दोनों प्रोसेस बहुत ही अर्ली स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट हम इसकी प्रिवेंशन से देख सकते हैं। प्री टर्म लेबर से हमने प्रिवेंट किस तरह होना है, हमने किस तरह इससे बचना है। प्रिवेंशन, ओके, सबसे पहले तो आपने जो है पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट प्रोवाइड करनी है, ठीक है, कंप्लीट बेड रेस्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा उसको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करने हैं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स
फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट के ट्विंस बेबी हैं, ठीक है, इन केस ऑफ ट्विंस बेबी, TWINS, ठीक है, ट्विंस बेबी हैं या पॉलीहाइड्रामेनोस है, पॉलीहाइड्रामेनोस, ठीक है, और इसके अलावा प्लेसेंटा प्रीविया है, प्रीक्लैम्पशिया है, प्लेसेंटा प्रीविया, यानी ये कॉम्प्लिकेटेड केस अगर पेशेंट में आपको नज़र आ रहे हैं या स्टूडेंट है, प्रीक्लैम्पशिया यानी बीपी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, देन आपने क्या करना है, क्लोजली सुपरविजन करनी है और ऐसे पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करना है पहले, ठीक है, ऐसे पेशेंट को क्या करना है, एडमिट इन हॉस्पिटल बिफोर डिलीवरी, यानी प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले ही अगर ये वाले केसेस आपके पास आ जाते हैं प्री टर्म लेबर वाले पेशेंट में, तो आपने इसको हॉस्पिटल में एडमिट करना है और इसको क्लोजली सुपरविजन देनी है, क्लोजली इसकी केयर करनी है, बेड रेस्ट प्रोवाइड करना है, ओके। अब स्टूडेंट इसकी नर्सिंग मैनेजमेंट देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नर्सिंग मैनेजमेंट, अच्छा स्टूडेंट नर्सिंग मैनेजमेंट का जो पर्पस होता है वो क्या होता है, नर्सिंग मैनेजमेंट का क्या प्रिंसिपल होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल्स ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट, स्टूडेंट इसका प्रिंसिपल यही होता है कि पेशेंट को रिलीफ मिले हर तरीके से, माँ और बच्चे दोनों की सेहत जो है उसकी हेल्थ पे कोई अफेक्ट ना हो, उनको हमने जो है कॉम्प्लिकेशन से बचाना है, टू प्रिवेंट एस्फिक्सिया, ठीक है, इसका जो है प्री टर्म लेबर का जो मेन प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का वो है कि बच्चे को जो है हमने एस्फिक्सिया से बचाना है, एस्फिक्सिया किसको बोलते हैं, टू प्रिवेंट एस्फिक्सिया, एस्फिक्सिया भी बोलते हैं, एस्फिक्सिया भी बोलते हैं, एस्फिक्सिया कहते हैं स्टूडेंट ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो हो जाना, ठीक है, बच्चे को जब ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो रही होती, बच्चे का दम घुट रहा होता है, ठीक है, वो अटक जाता है उसमें एट द पैसेज ऑफ बर्थ, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं बेबी को एस्फिक्सिया हो गया है, ठीक है, हमने बेबी को एस्फिक्सिया से बचाना है, इसके अलावा हमने प्रिवेंट करना है बर्थ ट्रॉमा से, ठीक है, टू प्रिवेंट, क्या इसका प्रिंसिपल है, टू प्रिवेंट बर्थ ट्रॉमा, ठीक है, बट ट्रॉमा से हमने पेशेंट को प्रिवेंट करना है, बचाना है, ठीक है। अब हम मैनेजमेंट की तरफ आ जाते हैं, मैनेजमेंट इसकी हमने फर्स्ट स्टेज में देखनी है, सेकंड स्टेज में देखनी है और प्यूपीरियम में इसकी मैनेजमेंट को हमने डिस्कस करना है, ठीक है। ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज हमने इसको किस तरह मैनेज करना है, इसी तरह आपने खूबसूरत अंदाज में हेडिंग दे के पेपर में अटैम्प्ट करना है ताकि आपके जो मार्क्स वो कट ना हो, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में पेशेंट को जो है आपने बेड रेस्ट प्रोवाइड करनी है, ठीक है, वो इसलिए प्रोवाइड करनी है ताकि अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन ना हो, ठीक है। आपने क्या करना है, बेड रेस्ट प्रोवाइड करनी है, किस लिए प्रोवाइड करनी है, टू प्रिवेंट अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ऑफ मेम्ब्रेन, ओके, ये हमारा हो गया फर्स्ट मैनेजमेंट, ठीक है। इसके अलावा फीटल ऑक्सीडेशन जो है वो आपने चेकआउट करनी है, फीटल को ऑक्सीडेशन प्रोवाइड करनी है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है फर्स्ट स्टेज में, और कैसे प्रोवाइड करनी है, थ्रू मदर, मदर नेजल माउथ से जरिए आपने जो है वो ऑक्सीजन बेबी को प्रोवाइड करनी है, ठीक है, ऑक्सीडेशन देनी है, ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेशन मीन्स ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है बेबी को, ठीक है। इसके अलावा आपने केयरफुल मॉनिटर करना है, ठीक है, बेबी को डेजी बाम पेशेंट को दे सकते हैं हम ताकि वो रिलैक्स हो जाए और जो है वो इजीली जो है मतलब रिलैक्स डाउन हो जाए और इजी जो है उसकी बर्थ का जो है वो प्रोसेस हो जाए। डेजी बाम आप प्रोवाइड कर सकते हैं, टैप डेजी बाम। इसके अलावा हमने स्टेराइल वजाइनल एग्जामिनेशन करना है, ठीक है, देखना है कोड प्रोलैप्स तो नहीं है, ठीक है, इन वेरी लो बर्थ वेट बेबीज़ में ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन एंड द लेबर एक्सीलरेट बाय ARM इज़ अवॉइडेड, ठीक है, लो बर्थ वेट अगर बेबी है, ठीक है, लो बर्थ वेट अगर बेबी है तो आपने आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन नहीं करनी, अवॉइड फ्रॉम ARM, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, इसे आपने अवॉइड करना है, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स प्रोलॉन्ग लेबर से आपने अवॉइड करना है, प्रोलॉन्ग लेबर से आपने क्या करना है, अवॉइड करना है, ठीक है, क्योंकि पेशेंट पहले ही जो है वो प्री टर्म ले आया है, इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, बेबी एस्फिक्सिया में ना चला जाए, ठीक है, आपने जो है प्रोलॉन्ग लेबर से अवॉइड करना है।
और अगर जो है ट्रॉमेटिक डिलीवरी में जा रहा है तो बेटर क्या है कि आप उसका सिजीरियन कर दें, LSCS लोअर सेगमेंट सिजीरियन सेक्शन। ओके, ट्रॉमेटिक डिलीवरी है अगर ट्रॉमेटिक, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में पता चल जाता है कि ट्रॉमेटिक डिलीवरी है या इजीली जो है हम हैंडल ओवर कर सकते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। आपने जो है वो इसका LSCS लोअर सेगमेंट सिजीरियन सेक्शन आपने इसका ऑपरेट कर देना है। ठीक है, अब देख लेते हैं सेकंड स्टेज में इसको हमने किस तरह जो है मैनेज करना है। सेकंड स्टेज मैनेजमेंट, ठीक है, सेकंड स्टेज में सबसे पहले तो आपने जो है वो टू अवॉइड रैपिड कंप्रेशन एंड डीकंप्रेशन ऑफ हेड, ठीक है, आपने अवॉइड करना है अवॉइडेड फ्रॉम कंप्रेशन एंड डीकंप्रेशन ऑफ हेड, ठीक है, और डिलीवरी को आपने कोशिश करनी है जेंटल एंड स्लो हो। ठीक है, डिलीवरी जो है वो स्लो प्रोसेस में हो, अगर डिफ़िकल्टी आ रही है तो एपिस्टोमी कर दें। ठीक है, लोकल एनेस्थीसिया 1% लिग्नोकेन दे के आपने क्या कर देनी है, एपिस्टोमी कर देनी है। ठीक है, प्राइमरी ग्रेविडा अगर है तो, ठीक है, अगर इसके अलावा आपने जो है यूज़ ऑफ आउटलेट फोर्सेप इससे आपने अवॉइड करना है। ठीक है, अवॉइड यूज़ ऑफ आउटलेट फोर्सेप किसी चीज़ की समझ नहीं आए तो आप कमेंट्स में फ़ौरन पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ओके, इसके अलावा हमने वैक्यूम एक्सट्रैक्शन जो है उसको नहीं यूज़ करना, उससे अवॉइड करना है। इमीडिएट आफ्टर बर्थ द कोड इज क्लैम्प टू प्रिवेंट हाइपोविलीमिया, बर्थ जैसे सेकंड स्टेज में जो है आपको पता है बर्थ हो जाती है तो आपने फ़ौरन से जो है कोड को क्लैम्प करना है। ठीक है, ताकि जो है बेबी को जो है हाइपोविलीमिया से हम बचा सकें। कोड क्लैम्प आफ्टर बर्थ to prevent hypovolemia। इसके अलावा द चाइल्ड आफ्टर बर्थ इज केयर्ड इन द इंटेंसिव केयर यूनिट अंडर सुपरविजन ऑफ द न्यूनेटोलॉजिस्ट। ठीक है, न्यूनेटोलॉजिस्ट यानी बेबीज़ के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनके लिए जो है वो इंटेंसिव केयर यूनिट में होते हैं। ठीक है, उनकी बेबीज़ की बर्थ जो है वो केयर के लिए मखसूस होते हैं, वो इनको लुक आफ्टर करें। ठीक है, इन केस ऑफ प्रीटर्म फीटस बिफोर 34 वीक्स प्रेजेंटेड बाय ब्रीच ऑल डिलीवरीज बाय द सिजेरियन सेक्शन जे शेप्ड। ठीक है, ब्रीच पोजीशन में आपके पास प्रीटर्म लेबर आया है। ठीक है, एक तो होती है ना सिफेलिक नॉर्मल पोजीशन, एक होती है ब्रीच पोजीशन। ठीक है, अगर इसमें आपके पास प्रीटर्म लेबर में पेशेंट है तो आपने सिजेरियन सेक्शन ही करना है हर सूरत में, सिजेरियन सेक्शन, और ये जो है वो जे शेप में होना चाहिए, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, इसके अलावा आपने इसके बाद स्टूडेंट आपने प्री टर्म बेबी को भी मैनेज करना है, उसकी भी केयर करनी है, कोड आपने क्लम्प कर देनी है, कट कर देनी है ताकि हाइपोविलीमिया से बच सकें। कोड की लेंथ आपने जो है 10-12 सेंटीमीटर वो रखनी है। ठीक है, एयर पैसेज को फ़ौरन से क्लीन आउट करना है ताकि जो है वो इसका एयर पैसेज जो ठीक हो, बेबी एस्फिक्सिया से बच सके। बल्ब सकर की मदद से आपने इसके इवन स्टमक कंटेंट, स्टमक में भी जो कंटेंट है उसको भी सक्ड आउट करना है, उसको भी क्लीन आउट करना है। ठीक है, इसके अलावा बेबी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है मास्क के जरिए, नेजल कैथेटर के जरिए, और बेबी को जो रैप आउट करना है स्टेरॉयल टॉवल में। इसके अलावा बेबी को जो है मदर के वन साइड पे जो है वो आपने लिटा देना है ताकि जो है वो वार्म जो है मदर से बेबी को प्रोवाइड हो, जिसको हम कहते हैं KMC। ठीक है, कैंगरू मदर केयर इसको भी बोलते हैं। इसके अलावा बेबी को बाथ नहीं करना, मेनटेन करना है चाइल्ड रिलेटिवली स्टेबल टेम्परेचर, बच्चे के टेम्परेचर को आपने स्टेबल रखना है। इसके अलावा बेबी को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है और प्रोवाइड करनी है नर्सिंग केयर। ठीक है, एडुकेट नर्सिंग केयर बेबी के लिए बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ कि लेक्चर आपको पसंद आया है, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो और इन्फॉर्मेटिव नोट्स आपको मिल सकें।